राजगढ़ क्षेत्र के एक गांव की 6 साल की बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्र कैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू जिले के राजगढ़ थाने में साल 2019 में दर्ज 6 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। चूरू पॉक्सो कोर्ट ने हनुमानगढ़ के गांव झिल्लोदा निवासी आरोपी नरेश धाणक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में 18 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया। हनुमानगढ़ जिले के झिल्लोदा गाँव के आरोपी नरेश धाणक ने 23 अगस्त को इस हैवानियत की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब वह राजगढ़ के ददरेवा में आयोजित गोगाजी मेले में आया हुआ था। 23 अगस्त 2019 को आरोपी ने शराब के नशे में अपने घर के आगे खेल रही 6 साल की बालिका और उसके 8 वर्षीय भाई को बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और उन्हें राजगढ़ में NH 52 के पास पिंजरापोल गौशाला के बीहड़ में ले गया। यह आरोपी ने 8 साल के बालक को पानी लाने के लिए भेज दिया और पीछे से 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वर्ष 2019 के अंदर राजगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, को अपने साथ ले जाके और उसमें एक जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म करने का उस पर आरोप है। उसमें हमने कुल न्यायालय में कुल 18 गवाहों को परीक्षित करवाया, जिसके ऊपर आज माननीय न्यायालय द्वारा आदेश निर्णय पारित किया गया, जिसमें जो अभियुक्त नरेश कुमार है उसको उसके कृत्य के लिए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया।